प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड में नवम पाठा जीवन सूत्राणि के अगले श्लोकों का अर्थ इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो देखिए अगला श्लोक, किमिस्विद देक पदम धर्म्यम किमिस्विदेक पदम यशः किम स्विदेक पदम स्वर्गम किम स्विदेक पदम सुखम। देखिए मीनिंग इसमें, धर्म माने धर्म देने का, धर्म देने वाला कार्य, स्वर्गम माने स्वर्ग देने वाला कार्य। तो देखिए, किम स्विदेक पदम धर्म्यम किम स्विदेक पदम यशः किम स्विदेक पदम स्वर्गम किम स्विदेक पदम सुखम। धर्म का एकमात्र आधार क्या है, धर्म का एकमात्र आधार क्या है, यश का एकमात्र आधार क्या है, यश का एकमात्र आधार क्या है, स्वर्ग का एकमात्र हेतु क्या है, स्वर्ग का एकमात्र हेतु क्या है, सुख का एकमात्र उपाय, सुख का एकमात्र उपाय क्या है। देखिए अगला श्लोक, दास्यमेक पदम धर्म्यम दानमेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वर्गम शीलमेक पदम सुखम। देखिए इसमें मीनिंग, दास्यम माने चतुरता और शीलम माने सदाचार। देखिए, दास्यमेक पदम धर्म्यम दानमेक पदम यशः सत्यमेक पदम स्वर्गम शीलमेक पदम सुखम। देखिए, चतुरता धर्म का एकमात्र आधार है, चतुरता धर्म का एकमात्र आधार है, यश का एक मुख्य हेतु दान है, यश का एक मुख्य हेतु दान है, सत्य स्वर्ग का एक प्रमुख हेतु है, सत्य स्वर्ग का एक प्रमुख हेतु है, सुख का एक मुख्य उपाय सदाचार है, सुख का एक मुख्य उपाय सदाचार है। देखिए अगला श्लोक, धान्यानाम मुक्तम किम स्विद धनानाम स्याति किमुक्तम लाभानाम मुक्तम किम स्याति सुखानाम स्याति किमुक्तमम। इसमें मीनिंग देख लें, धान्यानाम यानी फसलों में स्यात माने हो सकता है, स्यात माने हो सकता है। देखिए, धान्यानाम मुक्तम किम स्विद धनानाम स्यात कि मुक्तम लाभानाम मुक्तम किम स्यात सुखानाम स्यात कि मुक्तमम। धान्यों में उत्तम क्या है, धान्यों में उत्तम क्या है, धनों में कौन सा धन उत्तम है, धनों में कौन सा धन उत्तम है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, लाभों में उत्तम लाभ क्या है, सुखों में उत्तम सुख क्या है, सुखों में उत्तम सुख कौन सा है या क्या है। देखिए अगला, धान्यानाम मुक्तम दास्यम धनानाम मुक्तम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखानाम तुष्टि रुत्तमा। इसमें देखें मीनिंग, उत्तम माने सबसे अच्छा, श्रुतम माने विद्या, आरोग्यम माने स्वास्थ्य और तुष्टि माने संतोष। देखिए, धान्यानाम मुक्तम दास्यम धनानाम मुक्तम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम
सुखानाम तुष्टि रुत्तमा। धान्यों में उत्तम धान्य चतुरता है। धान्यों में उत्तम धान्य चतुरता है। धनों में उत्तम धन विद्या है। धनों में उत्तम धन विद्या है। लाभों में उत्तम लाभ स्वास्थ्य है। लाभों में उत्तम लाभ स्वास्थ्य है। सुखों में उत्तम सुख संतोष है। सुखों में उत्तम सुख संतोष है। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी इन्हीं चारों श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।